इफ्तकार के अवसर से बोला, फरियादी मेरा मकान गिरा दो। तालाब की जमीन पर दादा ने अवैध रूप से बनाया था मकान। दरअसल गांव में तालाब की जमीनों से कब्जा हटाने के लिए बड़े स्तर पर अफसर काम कर रहे हैं, लेकिन रामपुर में ऐसे भी लोग हैं जो अपना मकान खुद तोड़वाने के लिए अफसरों से कह रहे हैं। आप खुद सुनिए। तालाब की जमीन थी, मैंने उसके मकान को रुकवा दिया। फिर लोगों ने बताया कि साहब यहाँ तो तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर आधा गांव बसा हुआ है, सबको तोड़वाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जो विधि प्रक्रिया है उसको अपना करके परमाइश वरमाइश करा के नोटिस देता हूँ, मैं गिरवा दूंगा जिसका भी होगा। शिकायतकर्ता का भी मकान लोगों ने बताया कि जो है इसी गाटा नंबर में, तालाब के नंबर में ही शिकायतकर्ता का भी मकान है। तो मैंने शिकायतकर्ता वहीं सामने था, उसको मैंने कहा कि तुम्हारा भी मकान इसमें आता है, सबका गिरेगा तो तुम्हारा भी गिरेगा, गिराना मेरी मजबूरी है। तो शिकायतकर्ता ने कहा साहब सबका गिरेगा तो मेरा भी गिरा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस इतना सब। और ओमपाल जुड़े हुए हमारे साथ। ओमपाल, तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ लगातार कार्रवाई भी जारी है लेकिन फरियाद लगाई जा रही है कि मेरा मकान गिरा दो। बिल्कुल, देखिए एक तरफ जो योगी बाबा का बिल्डोजर की बात कही जा रही है और मानी जा रही है, उसी को समझते हुए अब लोग भी ये बात समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि कुछ बचने वाला तो है नहीं। तो ऐसे में तो मैं समझता हूं कि रामपुर में जिस शख्स ने ये दरियादली दिखाई है उसको तो अधिकारियों को भी एक अच्छा सा कुछ मैसेज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही जब लोग आएंगे तब यकीनन अफसरों को भी कार्रवाई करने में मजा आएगा, क्योंकि हर कोई अफसर चाहता है कि अगर कुछ गलत है तो वहां पर सही होना चाहिए। यानी कि अवैध अतिक्रमण, कब्जे, सरकारी संपत्तियों से हटाने की बात जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई है और उसी का खाका जो अफसरों ने तैयार किया है उस पर खरा उतरने के लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो ये बाबा का बिल्डोजर का डर ही है जो लोग अब ये कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ से ये मकान तोड़वा दीजिए और हमसे कब्जा ले लीजिए, क्योंकि आजादी के बाद से इतनी सरकारें बनी और इतने साल पुराना घर है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे संस्थान हो, चाहे बाकी की चीजों पर, तालाब की जमीन पर कब्जे हो, अब लोग अगर इस तरीके से, रामपुर के लोग इस तरीके से अगर प्रशासन को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि रामपुर के एसडीएम, रामपुर के डीएम, रामपुर के तहसीलदार और राजस्व के अधिकारियों को अब ज्यादा कोई दिक्कत यहां पर होगी नहीं, क्योंकि यहां पर किसी एक शख्स ने जो हमको अफसरों के यहां एक फरियाद की है कि भैया मेरे दादा परदादा ने गलत बनवा दिया था, इसको तोड़वा दीजिए, गलत सरकारी संपत्ति पर बना हुआ है। तो इन चीजों से रामपुर में यूपी के मुख्यमंत्री को भी अच्छा मैसेज गया है कि जहां पर बदमाशों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, बदमाशों के कब्जे हटाए जा रहे हैं, वहीं रामपुर का एक शख्स अफसरों से ये गुहार कर रहा है कि भैया मेरे दादा परदादा ने जो कब्जा किया है वो हमसे निकाल लीजिए। तो ये अफसरों को ऐसे लोगों का स्वागत सम्मान भी करना चाहिए जो सत्ता के साथ और उन चीजों के साथ आ रहे हैं जो गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।